जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले एनसी को बड़ा झटका लगा है। सीएम साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला का की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ईडी ने नए इल्जाम तय कर दिए हैं। केस चलाने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में उन पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनको नए सिरे से उस पर केस चलाने की मांग की जा रही है। श्रीनगर कोर्ट में ईडी की तरफ से अपील दाखिल की गई है। ईडी ने दफा 411 और 424 के तहत इल्जाम लगाए हैं। चोरी की इमलाक को हासिल करना और छिपाने का इल्जाम लगाया गया है। तकरीबन 43.69 करोड़ रुपए की हेराफेरी का इल्जाम लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रद्द की गई थी एमपीएमएलए की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। बड़ी खबर आपको बता दें कि साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। उनके खिलाफ ईडी केस चलाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले एनसी को बड़ा झटका लगा है। साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ईडी ने नए इल्जाम के तहत केस चलाने की अपील दायर की है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले मामले में इल्जाम लगाए हैं ये। श्रीनगर कोर्ट में ईडी की तरफ से एक अपील दाखिल की गई है। ईडी ने दफा 411 और 424 के तहत इल्जाम लगाए हैं। चोरी की इमलाक को हासिल करना और छिपाने का इल्जाम लगाया गया है। तकरीबन 43.69 करोड़ रुपए की हेराफेरी का इल्जाम लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रद्द की गई थी पीएमएलए की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक। बड़ी खबर ये आपको बता दें कि ईडी के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नए सिरे से इल्जाम तय कर केस चलाने की मांग कर रही है। क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले मामले में ये कार्रवाई हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है।